जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हाल ही में बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर खान की फिल्म ठग्स ऑफ हिंदुस्तान रिलीज की गई थी, जिसमें आमिर खान के साथ साथ फातिमा सना शेख, कैटरीना कैफ और अमिताभ बच्चन भी नजर आए। लेकिन अगर बात की जाए कैटरीना कैफ की, तो आपको बता दें कि कैटरीना कैफ का फिल्म में बहुत ही छोटा सा रोल था। कहा जा रहा है कि कैटरीना कैफ सिर्फ और सिर्फ इस फिल्म में दो गानों के लिए और उनका काफी छोटा सा रोल है। कहने वाले तो ये भी कह रहे हैं कि आमिर खान ने कैटरीना कैफ को जबरदस्त तरीके से ठग लिया है। हालांकि ये पहली बार नहीं जब आमिर खान ने कैटरीना कैफ के साथ इस तरीके की नाइंसाफी की हो। धूम 3 में अमीर विजय कृष्णा आचार्य की कैटरीना तिगड़ी थी, उसमें भी कैटरीना का रोल बहुत बड़ा नहीं था, काफी छोटा सा था। और ऐसा माना जा रहा है कि आमिर खान हमेशा ही कैटरीना कैफ के लिए ऐसा जाल रचते हैं और कैटरीना कैफ इस जाल में कहीं ना कहीं फंस जाती हैं। वहीं अगर बात की जाए कैटरीना कैफ जो सलमान खान, बॉलीवुड के दबंग सलमान खान की चहेती हैं, अगर सलमान खान को पता चलेगा कि आमिर खान वाकई कैटरीना कैफ के साथ नाइंसाफी करते हैं, तो सलमान खान गुस्से से लाल तो भाई जरूर होने वाले हैं। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से सुगंधानंद की रिपोर्ट।